छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीति बवाल खाने लगी है। आदिवासी छात्र संगठन ने SBN कॉलेज में हुए चुनाव को मानने से इनकार कर दिया है। कल उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, कोई वोटिंग नहीं की थी। मात्र 20% वोटिंग चुनाव के लिए 26 CR के चुनाव में हुई थी, जिसे ये मानने से इनकार कर रहे हैं। इन्होंने आदिवासी छात्र संगठन की एक ही मांग है कि चुनाव को निरस्त किया जाए और पूरी बाड़ी को भंग किया जाए, फिर से एक बार चुनाव कराया जाए, क्योंकि पूरे कॉलेज में इनका बाहुल्य, उसके बावजूद भी इनकी सीटें नहीं आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी को लेकर आज छात्र संगठन वाले धरने पर बैठे हुए हैं। इन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। यहाँ पर जो दौड़ लगाई जा रही है, वह दौड़ जो है वह देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि एवं पूर्व प्रधानमंत्री, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित रन फॉर यूनिटी का एक हिस्सा है। इसमें सबसे पहले नगर के पुराने थाने के पीछे, SDOP कार्यालय के पीछे जो आयोजन किया गया, मंची आयोजन किया गया, उसमें सभी ने संकल्प लिया एकता का, अखंडता का और स्वच्छता का संकल्प लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। जिला मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन ग्राउंड में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान परेड और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इससे पूर्व सुबह ओला ग्राउंड से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा रेंज के DIG डॉक्टर GK पाठक, कलेक्टर JK जैन, SP गौरव तिवारी समेत जिले के सभी बड़े अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। शहर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में हर वर्ष कार्तिक मास के एकादशी से पाटोत्सव महोत्सव शुरू होता है। करीब 10 दिन तक चलने वाले इस पाटोत्सव में भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है और खास तौर पर पूर्णिमा पर विशेष नयनाभिराम श्रृंगार होता है। पाटोत्सव का शुभारंभ आज मंगलवार को विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, महाराज श्री नित्यानंद जी और अन्य अतिथियों ने किया। मंगलवार को देवउठनी एकादशी के उपलक्ष में नगर में विभिन्न आयोजन शुरू हो गए हैं और मांगलिक कार्यों का भी शुरुआत हो गई। इसमें सामूहिक विवाह, घर घर जाकर तुलसी की पूजा की गई और नगर में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया। उसमें करीब 50 से अधिक जोड़ विवाह सूत्र में बंधे। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज जिले भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। कहीं पर वाहन रैली निकल रही है तो कहीं पर प्रतिमा को अनावरण हो रहा है। शहर में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा पर पारिदार समाजजनों सहित जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। वहीं कल मगराना, टकरावद सहित कई गांवों में प्रतिमाओं का अनावरण हुआ। पर इस बार सफाई व्यवस्था को लेकर जेल रूम में सियासी रंग पहली बार नजर आया। मंगलवार को यहां पर कांग्रेस ने पहुंचकर सफाई की और BJP पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। दरअसल हुसैन टेकरी जावरा शहरी क्षेत्र की सीमा नहीं है और 26 अक्टूबर को चैलुम की बैठक के दौरान कलेक्टर ने यहां पर हुसैन टेकरी समिति को नगर पालिका को इसके एवज में राशि अदा करने की बात कही थी। इसके बाद नगर पालिका ने यहां से हाथ खींचे तो मामले ने तुल पकड़ लिया। सुबह के समय मुतवली सहित हुसैन टेकरी समिति ने यहां पर सफाई की तो दोपहर में सियासी रंग चढ़ा और कांग्रेस के आला नेता व कई कार्यकर्ता भी यहां पहुंचे और उन्होंने सफाई की। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 6 साल बाद छात्र संघ चुनाव हुए। खंडवा में 5 सरकारी कॉलेजों में चुनाव निर्विघ्न संपन्न हुए हैं। छिटपुट हिंसा के बीच यहां 5 कॉलेजों में छात्राओं ने बाजी मारते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। ABVP ने सभी 5 कॉलेजों में अपने पैनल को जीत दिलाई है। इसके बाद शहर में जुलूस भी निकाला गया। पदाधिकारियों का कहना है कि अब वे छात्रों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और शैक्षणिक सुधार के लिए भी प्रयास करेंगे। पूर्व
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार सुबह कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया। इस दौरान कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। इस वक्त हम खड़े हैं उज्जैन के शिप्रा तट पर लगे गधों के मेले में। जी हाँ, उज्जैन की अनूठी परंपरा है, यहाँ पर देव प्रबोधनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक गधों का मेला लगता है। 1, 2, 5 नहीं, यहाँ 8 से 10 हजार गधे बिकने आते हैं और व्यापारी की खरीद फरोख्त करते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस गधे के मेले में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित राजस्थान के लोग भी आते हैं। भले ही आधुनिक युग में मशीनों का दौर चल गया हो, लेकिन अभी भी इन गधों की जो उपयोगिता है, इनकी महत्ता है, वो परंपरा के रूप में आज भी जीवित है। प्रजापत समाज जो गदर्भ राज का व्यापार करने वाला, इनसे उपयोग लेने वाला एक बड़ा समाज, कुंभकार समाज प्रजापत समाज होता है। प्रजापत समाज के विभिन्न व्यापारी यहाँ पर आते हैं और अपने साथ यहाँ गधों का व्यापार करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस देश भर में मनाया जा रहा है और इसकी धूम जबलपुर के विभिन्न कॉलेजों में देखने मिली। शहर के माता गुजरी कॉलेज में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रैली निकाली गई, जहां लड़कियों ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से एकता का संदेश दिया। वहीं उन्होंने ट्राई कलर गुब्बारे लेकर कहा कि एकता में ही शक्ति है और इस शक्ति के सहारे ही हम अपने देश का, समाज का और शहर का विकास कर सकते हैं। शहर के तेजानगर क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर क्षेत्र के रहवासी मंगलवार सुबह नगर निगम के गेट पर पहुंचे। यहां उन्होंने धरना दिया और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने के लेकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही यहां के अधिकारियों से मांग की है कि क्षेत्र में पानी की समस्या जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, वरना वह उग्र रूप अपनाएंगे। नारचरी घाट पर अवैध रेत खनन के मामले में खनिज विभाग ने जांच शुरू कर दी। आज सुबह गढ़वी थाना पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर जांच करने पहुंचे, जहां पर सीमांकन भी किया गया। इस मामले में खनिज अधिकारी ने कहा कि इससे बारीकी से जांच की जाएगी, जिन लोगों ने भी शमशान की भूमि को खोदा है उसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंगलवार को पिपरिया से करीब 100 श्रद्धालुओं का जत्था सरय भरते हुए सांडिया स्थित नर्मदा नदी की ओर रवाना हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के एक हफ्ते पहले पिपरिया बनगेड़ी सहित अनेक ग्रामीणों से परिवार सहित लोग सरय भरते हुए यानी जमीन पर लेटकर मां नर्मदा के जयकारे लगाते इस धार्मिक यात्रा को पूर्ण करते हैं। माना जाता है कि जो मनोकामना मां से मांगी जाती है वह मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा जमीन पर लेटकर सरय भरते हुए नदी के पास पहुंचकर पूर्ण करते हैं। यहां भंडारे आदि आयोजित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर चांडिया में बड़ा मेला लगता है। और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज नीमच में धूमधाम से मनाई जा रही है। नीमच से सरदार पटेल का सीधा जुड़ाव भी है। सीधा जुड़ाव इस मायने में है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और नीमच की इस लाल धरा पर ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ध्वजा प्रदान उन्होंने की थी। आज यहाँ पर विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें सबसे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों ने यहाँ आकर के सरदार पटेल को माल्यार्पण किया। इसके बाद में शिक्षा विभाग जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर कंट्री का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारीगणों ने भी शिरकत की और बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे रन फॉर कंट्री में शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती नगर में धूमधाम से मनाई गई। पाटीदार समाज, पाटीदार महिला मंडल और सरदार वल्लभ भाई पटेल युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में मानवता की सेवा के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके अंदर संस्था की ओर से 142 यूनिट का रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है, उसमें से अभी तक 121 रक्तदान लोगों ने रक्तदान करके इस मानवता की सेवा में अपनी आहुति दी है। स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत नगर निगम खंडवा ने हाल ही में वॉल पेंटिंग कराई और इस पर स्लोगन लिखवाए। इसका मकसद ये था कि इसके माध्यम से लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, लेकिन यहाँ पटवारी कोचिंग संस्थान के संचालकों ने इन स्लोगन पर अपने पोस्टर चिपका दिए। नगर निगम अफसरों ने तत्काल एक्शन लेते हुए ऐसे लोगों को जोन ऑफिस बुलवाया और इसके बाद
नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। खंडवा के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान ढेर सारे मामले आए, कुछ मामले रोचक थे तो कुछ मामलों में पीड़ितों ने समस्याओं के निराकरण की मांग की। यहाँ थर्ड जेंडर के लोग भी आए और उन्होंने आवेदन देकर कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में लिखा जाए और उनकी वोटर आईडी भी बनाई जाए। इसके अलावा कुछ पीड़ितों ने ये शिकायत भी की कि उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद अस्पताल में भर्ती तक नहीं किया गया। तत्काल कलेक्टर ने ऐसे लोगों को अस्पताल भिजवाया। इसके अलावा एक दिव्यांग भी यहाँ आया और उसने कहा कि पिछले एक साल से वो लैपटॉप के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन संबंधित विभाग लगातार चक्कर लगवा रहा है। इस मामले पर भी कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और सड़कों पर घूमते मवेशी अभियान को पलीता लगा रहे हैं। इस ओर भी नगर पालिका ध्यान दे तो इस प्रकार के आयोजनों की सार्थकता प्रमाणित हो सकती है। रीवा में टीबी रोगियों की बढ़ती संख्या ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दल 6 नवंबर को रीवा पहुंच रहा है, जो यहां के अस्पतालों, जांच केंद्र, जांच लैबों और टीबी रोगियों से मिलने के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर नई कार्य योजना बनाई जाएगी। इस दल में नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट मंगलोर के एक्सपर्ट और गुवाहाटी, लखनऊ, दिल्ली के विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। शहर में एनएसयूए का सुपड़ा साफ करने के बाद में रतलाम शहर में भी तीनों कॉलेजों में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली एबीवीपी ने आज यहां विजय जुलूस निकाला है। शहर के प्रमुख मार्गों से निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए, उनके पदाधिकारी भी शामिल हुए और तीनों कॉलेजों के चारों प्रतिनिधि भी बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए और उनका जमकर जगह जगह स्वागत हुआ। रीवा में डेंगू का मच्छर एक बार फिर हमलावर हो गया है। ठंड की दस्तक के साथ अभी तक अकेले त्योथर ब्लॉक में सब के सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय टीमें त्योथर ब्लॉक के गांवों में भेजी गई हैं, जो दवाओं के छिड़काव के साथ लोगों को डेंगू से बचाव की जानकारियां दे रही हैं।